डीसी स्वीप में जाएं और आउटपुट पे तो डेफिनेटली आईसी करंट है, और एनालिसिस पैरामीटर में सोर्स टू ऑफ करें और हमने एक्स एक्स पे वीजी रखना है, वीजी गेट टू एमिटर, और इसकी वोल्टेज हमने 0 से 6 वोल्ट रखी है। हमने डाटा शीट में देखा है कि वो आपकी 4.5 है मैक्सिमम, तो 6 रख दी ऐसी है ना, या 4.5 भी कर सकते हैं, तो 4.5 से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो 0 से 6 वोल्ट और 0.1 का इंक्रीमेंट रन करें तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखेंगे ग्रिड ऑन करें तो आपको यहाँ वी जी थ्रेशोल्ड जो है वैल्यू आपने निकालनी है, जिस तरह ये इधर वी जी थ्रेशोल्ड, तो एक 2 से 4.5 रेंज थी। अब आप देखेंगे इसमें से, इसको ज़रा जूम करके देखें कि कितनी आ रही है वैल्यू, बताएं मुझे, ये 3.1 है तकरीबन, ऐसे ही है ना, 3.1 वोल्ट पे। तो ये इस तरीके से आपने देख लिया कि इसकी वीजी थ्रेशोल्ड 3.1 वोल्ट, यानी 3.1 वोल्ट पे ये आईसी करंट फ्लो होगा, उससे कम वोल्टेज पे ये ऑन ही नहीं होगा, ऐसे ही है ना। तो ये आपको इसकी करेक्टरिस्टिक, इनपुट करेक्टरिस्टिक में ये चीज़ आपको पता चली। अब आप अगर यही डिफरेंट वैल्यूज़ पे अगर रन करें, ये तो चलें एक ही है, अब डिफरेंट VCE की वैल्यू पे अगर आपने देखनी है वैल्यू, तो VCE की वैल्यू रखें, VCE की वैल्यू कितनी रखनी है ये भी डाटा शीट से देख सकते हैं कि VCE मैक्सिमम कितनी है, ताकि हमें रेंज का आइडिया हो जाएगा। ये कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज आपकी 400 है, तो 400 है तो आप इसको 0 से 400 रख दें फॉर एग्जांपल, और 100 का स्टेप रख दें, तो कितनी कॉल्स आएंगी, 5 आएंगी, रन करें ज़रा, तो ये इस तरीके से आपकी कॉल्स आ जाएंगी। ठीक, तो आप देखें तो ये एक तो ज़ीरो की है, VCE ज़ीरो पे है, और बाकी कर्व्स आप देखें तो ये टॉप वाली आपकी हायर VCE की वैल्यू पे, यानी VCE की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर आपका कलेक्टर करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा, और सेम अगर आपकी लो VCE पे है, 100 पे है, तो आप देखें करंट की वैल्यू, तो इस तरीके से आप इसको एनालिसिस कर सकते। ये किसी का हुआ या नहीं, अभी करेक्टरिस्टिक निकालनी है किसी ने? अच्छा, ये तो इनपुट करेक्टरिस्टिक है, ये भी आपने निकालनी है। आप इसी तरह आउटपुट निकालते हैं, फिर दोनों आप इकट्ठे कर लीजिएगा, फिर ब्रेक थोड़ी सी करके। ये देखें आप आउटपुट करेक्टरिस्टिक में देखें तो ये हम आपने ये करेक्टरिस्टिक देखनी है। देखें कट ऑफ रीजन है, फिर उसके बाद ये ओहमिक रीजन या लीनियर या सेचुरेशन रीजन, और उसके बाद एक्टिव रीजन, और ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। तो ये हम देखते हैं अब इसको के रन करने के लिए। अब नेक्स्ट सर्किट ये देखें आउटपुट करेक्टरिस्टिक के लिए, इसमें आउटपुट में भी आप देखें तो यही सर्किट, आप इसी को आप यूज़ कर सकते हैं। आईसी वाई एक्सेस भी तो आईसी होगा, और ये देखें डीसी स्वीप में आउटपुट पे तो आईसी है, और इनपुट पे आप यू सोर्स ऑफ करें, इनपुट पे आपका कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज होगी, ऐसी है ना वीजी की बजाय। तो कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज आप देखें तो आपकी कितनी है, 400 वोल्ट है, तो आप इसको 0 से 400 कर लें और इसको रन करें, तो ये इस तरीके से आप कर्व बनेंगी, जो कि तकरीबन सेम ही है जिस तरह ये बन रही है, ऐसी ना। अच्छा, इसी तरह आप देखें अगर, अच्छा इसको अगर थोड़ा बेहतर करना चाहें तो इसको अगर 100 कर लें, अगर फॉर एग्जांपल 100, और इसको -50 कर लें, फिर देखें ज़रा, ये देखें इस तरह भी कर सकते हैं आप, देखें ना -50 की बजाय, बल्कि आप इसको -50 से +50 भी कर सकते हैं, या +100 है तो माइनस, हाँ ठीक है ये मेरे ख्याल। तो ये देखें इस तरह आपको नज़र आएगी। अच्छा, रिवर्स ब्रेकडाउन अगर हम देखना चाहें तो ट्राई करें ज़रा, माइनस इसकी रिवर्स ब्रेकडाउन क्या है, डेटा शीट में कहीं नज़र है, देखें ज़रा ब्रेकडाउन डेटा शीट से कोई कर देख के बता सकता है मुझे? ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये ब्रेकडाउन, ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये वाली इधर दिखाएंगे, ये वाली, ये वैल्यू डाटा शीट से देख के बता सकते हैं कितनी? हाँ, रिवर्स ब्रेकडाउन, कितनी है, 400 ही है, माइनस में आएगी ना ये, फिर क्यों नहीं आप गूगल से डायरेक्ट करते हैं? ब्रेकडाउन से सर्च किया मतलब, करें ना, करके बताएं ना मुझे, कौन से पेज पे है? T2 पर है,
अब आप देखें जरा इसको माइनस 400 करें, जरा देखें ब्रेक डाउन में जाता कि नहीं। माइनस 500 से शुरू कर लेते हैं, ठीक, रन करके देखें। ये तो माइनस 5 पे भी नहीं गया, ऐसी है ना। चलें इसको ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन भी देखना पड़ेगा हमें, इसको डिफरेंट वैल्यूज पे हम चेक करेंगे। फिलहाल इसको माइनस 50 रखें और अपना असल काम तो करें ना फिलहाल। अच्छा ये देखें, ये आपका ग्राफ बन गया। अच्छा ये था हमारा ग्राफ किसी एक वीजी की वैल्यू पे, ऐसी है ना। अब हमने डिफरेंट वीजी की वैल्यू पे अगर ग्राफ ड्रा करने हैं तो मल्टीसिम में जाएं और यू सोर्स टू करके वीजी की वैल्यू आप डिफरेंट लें। अब वीजी हमारे पास, हमें पता है कि 2 से 4.5 रेंज है, और हमारी जो वीजी आई थी वो कितनी थी भला, कितने पे वीजी आई थी इसकी, जो इनपुट 3.2 थी ना, तो 3.2 थी, तो हमने 3 से 4 के दरमियान रेंज रख ली, ऐसी है ना। तो अब रन करें, तो रन करेंगे तो आप देखें वीजी की डिफरेंट वैल्यूज पे, तो वीजी की कितनी वैल्यू आएगी वो आपको डिपेंड करेगा। 3 से 4 आप देखें 0.2 का इंक्रीमेंट रखा है, तो कितनी ग्राफ बनेंगे, लाइंस कर्व्स, ये आप बन गई। अब आप इन ग्राफ्स को आप डिफरेंट रीजन्स में, पहला रीजन आपका ओमिक रीजन है, लीनियर या सेचुरेशन, फिर एक्टिव रीजन है, नीचे कट ऑफ रीजन है। जब आपका वीजी की वैल्यू जीरो हो और आईसी करंट कुछ ना कुछ फ्लो हो तो वो रीजन आपका कट ऑफ होगा। तो ये आप डिफरेंट कट ऑफ रीजन आप इसमें हाईलाइट कर देंगे, तो ये हमारी इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक आप वीजी की निकाल लेंगे, ठीक। तो हमें यहाँ से ये आइडिया हो जाएगा कि इसका ओमिक रीजन कौन सा है, सेचुरेशन, और फिर इसमें आपने सेफ ऑपरेटिंग एरिया भी इसका हमसे खुद निकालना है, जिसका पहले मैंने निकाला है, ठीक। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव वन इसका कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी है ना। अब हम दूसरा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसका पिछले दो बीजेटी और मॉस्फेट से, और इसको एंड करते हैं। अब कंपैरिजन में देखें, अगेन आप जाएं रन करें सिलेक्टेड में, बीजेटी ऑन करें पहले। ये बीजेटी वही है, सेम ही है, आपने जो लास्ट टाइम, ठीक है, वो सेम ही है, बस रिवर्स फास्ट स्विचिंग डायोड नहीं लगाया। आप लगा लें, वो लगा भी होगा तो कोई इशू नहीं है। तो पिछला, अब मॉस्फेट का ऑन करें, इसी तरह सेम मॉस्फेट वाला है और इसी तरह सेम आईजीबीटी का है, ठीक है। तीन हमने बीजेटी, मॉस्फेट और आईजीबीटी। अब इसमें आप देखें तो सारे पैरामीटर सेम है। अब आप देखें बीजेटी का इस तरह बनाएं, आईसी वीसी, ये पहले बनाया हुआ है ना आपने, ये पहले बनाया हुआ, वही ओपन कर लें बस, उसमें ये वैल्यू चेंज कर दें। ये लोड की वैल्यू हमने चेंज की है सिर्फ सेम करंट फ्लो होने करवाने के लिए, तो वोल्टेज हमने लोड की, बाकी और बीजेटी भी हमने तीनों बीजेटी, मॉस्फेट और आईजीबीटी, चूँकि कंपैरिजन करना है तो मैंने जो चार पैरामीटर बताए थे कि फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, सोर्स वोल्टेज, करंट, और फिर बीजेटी जो ट्रांजिस्टर है इनकी आपने जो सेम वोल्टेज की आपने लेने हैं। तो आप देखें तो बीजेटी को डबल क्लिक करें तो ये MJ D340 लिया है हमने, ये 300 वोल्ट वाला है, ऐसे ही ना। वैल्यूज़ पे जाएं, वैल्यूज़ पे डबल भी करें और वैल्यू पे जाएं ऊपर, तो ये 300 वोल्ट का है, ठीक है। और मॉस्फेट वाला देखें तो डबल क्लिक करें, ये ZVN4424 है, और ये भी देखें तो उसके करीब ही है, 240 वोल्ट वाला है जो स्मॉल था। IGBT देखें डबल क्लिक करें तो ये आपका 365 वोल्ट का है, तो ये तकरीबन करीब वोल्ट के लिए हमने जो हमें अवेलेबल हैं, एग्जैक्ट नहीं तो कम से कम करीब वोल्ट के होंगे। अच्छा अब हम देखते हैं इन दोनों तीनों को रन करते हैं, ठीक है। बीजेटी को रन करें, ट्रांजिएंट पे देख लें पहले इसका वैल्यूज़ आपने क्या रखी हैं, जीरो से वही वैल्यूज़ हैं जो पहले रखी थी हमने, तो ये तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा सिंपल। अब आप देखें इसको रन करें, फिर उसके बाद आप मॉस्फेट को रन करें, और इसी तरह फिर आप ये करें IGBT को रन करें, ठीक है। ठीक हो गया,
बस वो इंटर उसमें करके रन कर देना। अब तरतीब से रखना, आगे पीछे ना कर देना, ये देने में रखना, पहले बीजेटी है फिर मॉस्फेट है फिर आईजीबीटी है, ग्राफ इस तरह बनाएंगे। हाँ ये बंद होता है ना, कौन सा सर्किट बना, अगर बंद हो रहा है तो इसकी एक दो रीजन हैं जो पहले हमें ट्रेस हुई हैं कि फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज हम ज़्यादा करते थे ना 600 वोल्टेज, तो वो इसको तो आप 6 की बजाय आप 200 कर लें 300 कर लें, समझ रहे हैं, उस सब का कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो वोल्टेज का लेवल कम कर दें उससे ये वो, तो सेव कर लिया करें फिर, सेव करके रन कर लें, टाइम लगे तो आराम। तो अब आप देखें तो इसमें आपका सबसे पहला बीजेटी है, दूसरा मॉस्फेट है, ये मॉस्फेट है, और तीसरा आपका आईजीबीटी है, ठीक है। अब तीनों का कंपैरिजन देखें ज़रा, इस कर्व्स में देखें ना, इन कर्व्स को हम अब सिंपल अपेरेंटली देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। अब इसमें आईसी करंट देखें, आईसी करंट रेड लाइन है इसमें बीजेटी में, अब रेड लाइन देखें जैसे ऑफ ऑफ ऑन ऑफ, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा चेंज है, जब ऑन है तो ऑन हो रहा है, ऑफ है तो ऑफ है, समझ रहे ना, कोई आपको उसमें नहीं लगा बीजेटी में। इसी तरह आईजीबीटी में मॉस्फेट में देखें तो मॉस्फेट में भी हमने देखा कि आप ऑन ऑफ इसका प्रॉपर है, लेकिन जो डोमिनेंट आईजीबीटी का डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, आईजीबीटी पे क्लिक करें, आईजीबीटी में आपने देखा ये देखें ऑफ टाइम इसका ज़्यादा है, ये देखें ऑफ, ये देखें ऑफ में इसने इतना टाइम लिया है, ये गैप आ गया ना, बाकी में नहीं आया गैप दोनों में। देखें बीजेटी में मैंने आपको बताया करंट कंट्रोल डिवाइस है, उसका ऑफ टाइम आप ख़त्म कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग दी नेगेटिव करंट, नेगेटिव सोर्स जस्ट, मॉस्फेट का इशू कोई नहीं है ऑफ का, लेकिन आईजीबीटी में ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आईजीबीटी करंट कंट्रोल डिवाइस तो है नहीं, क्योंकि इंसुलेटेड गेट, गेट इसका इंसुलेट है, करंट तो आप रिवर्स सप्लाई नहीं कर सकते, इंसुलेट है तो वोल्टेज हम रिवर्स नहीं दे सकते। तो इसमें यह है कि फिर इसका जो मेन ड्रॉबैक ये है कि आईजीबीटी का आपका बीजेटी का तो रिवर्स करंट हैंडल हो जाएगा कम्प्लेक्स ड्राइवर सर्किट से, इसका नहीं होगा। तो इसका जो है स्विचिंग लॉस, जब तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा लॉस आएगा स्विचिंग का, स्विचिंग लॉस आपका इसका आईजीबीटी का, और उसके बाद फिर आपके दोनों बाकी आएंगे, ठीक है। तो इसमें ये मेन चीज़ जो हमने देखनी थी कि स्विचिंग लॉस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ऑफ टाइम में, और ये इसको हम टैकल नहीं कर सकते कि क्योंकि इसका इसको रिवर्स करंट नहीं दे सकते क्योंकि ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। ये चीज़ हमने तीनों के कंपैरिजन में देखी, बस इसमें और चीज़ें नहीं देखते, और भी इसी तरह हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलें, अब हम डायरेक्ट चलते हैं इसके स्विचिंग लॉस देखते हैं। हाँ इसको ऑफ कर दें और ये वाला निकालें, ये आखिरी तीन छोड़ के ना, उससे पिछले तीन जो हैं ये, अब इन्हीं को इंटरेक्टिव पे रन करेंगे, ठीक है, बीजेटी मॉस्फेट और आईजीबीटी, ठीक है। अब इंटरेक्टिव पे रन करके मुझे बताएं, देखें ज़रा इनका लॉस क्या है। एक तो देखें मैंने स्विचिंग लॉस कहा, स्विचिंग लॉस कंपैरिजन कर सकते हैं आप, स्विचिंग लॉस वैसे कंपैरिजन कर लें एक दफ़ा, ये पीछे मैंने कैसे करेंगे, जैसे पीछे रिपीट किया ना दो का, इस तीन का करेंगे हम। अब पहले तो बताएं कि करंट सेम है वैसे, यही है ना, एम जे डी यही है ना, तो बस ये रेजिस्टेंस आने लगी हुई, ठीक है ना, सेम है 12.7, ये ठीक है। आगे मॉस्फेट देखें 126 10, ये भी ठीक है, और आईजीबीटी देखें 10 235, ठीक है, ये सारी ठीक है, सही है। अब आप देखें तो इसमें हम ये करते हैं कि 5 kHz फ्रीक्वेंसी है, ठीक, करंट देखें सबका सेम है, ज़रा कन्फर्म कर लें एक दफ़ा, करंट 76.7 है, इसका भी 76.7 ही है, और ये सेम है, आप रन करके देखें सेम है करंट, हाँ ये जो भी है सेम होना चाहिए बस, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू वो करेंगे जो आप सेम। अच्छा आप देखें 5 kHz पे लॉस ये है फॉर एग्जांपल। अब एक कंपैरिजन तो हम ये कर लेते हैं कि चूंकि लो वोल्टेज पे है और हमने जो डिवाइसेज लिए हैं वो भी ज़रा एक दफ़ा चेक करवा दें इनको तीनों, ये देखें 300 वोल्ट की है, वही सेम है मॉस्फेट की, ये भी 240 वोल्ट है,
तो कम वोल्टेज वाली डिवाइस हमने ये 365 है, ठीक है, तो करंट भी सेम है, अब वोल्टेज भी हमने सोर्स वोल्टेज भी लो वोल्टेज दी है, ठीक है। अब इसमें मुझे बताएं, यही डायग्राम दोबारा ओपन करें, ये जो डायग्राम थे पहले ये नोट्स बीजेटी में, ये इसमें मुझे बताएं, अब पहले तो बताएं, दो तो पहले आप बता चुके हैं, अब आईजीबीटी बताएं कि लो वोल्टेज हाई करंट है, हाई वोल्टेज लो करंट है, हाई वोल्टेज हाई करंट है, क्या है ये? ये भाई इन्होंने सही कहा, ठीक है, तो हाई वोल्टेज हाई करंट है, ठीक है, चले खैर, जिसने पहले फर्स्ट कम फर्स्ट। अच्छा अब आप देखें, तो आपने देखा मॉस्फेट, मॉस्फेट क्या है वाला? लो वोल्टेज हाई करंट। बीजेडी ये तो एमसीक्यू याद रहेगा टेस्ट के लिए, ये डायग्राम याद रहेगा। अच्छा आईजीबीटी, आईजीबीटी मैंने एमसीक्यू नहीं आगे टेस्ट देने, अभी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना, तो आईजीबीटी क्या है? हाई वोल्टेज हाई करंट, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन भी लिखी हुई है, देखें आईजीबीटी लिखा हुआ है यूपीएस के लिए यूज़ होता है, ये यूपीएस जो हमारा ऊपर सोलर सिस्टम है इसमें हाई करंट हाई वोल्टेज होती है, चूँकि सोलर सिस्टम इकट्ठे करके सीरीज में हम ज़्यादा वोल्टेज करते हैं, तो हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए चाहिए, मोटर कंट्रोल है ये, ऑडियो एम्प्स वगैरह, स्टेपर मोटर, और ये देखें तो आपका क्या लिखा हुआ है, डीसी, ये पावर सप्लाई में यूज़ होता है, पावर सप्लाई में लो वोल्टेज होती है ना, तो लो वोल्टेज करंट हाई होता है, उसमें पावर सप्लाई में यूज़ करते हैं। हाँ क्या है ये? फोर लेयर डिवाइस है, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, ये काम हो गया, अब आप आईजीबीटी में जाए, अब अच्छा लो वोल्टेज पे कहना क्या चाह रहे थे, अब हमने सब में लो वोल्टेज अप्लाई की है, लॉसेज की तरतीब क्या होगी, आप मुझे बता दें, उसी डायग्राम में सामने रखें, मुझे ये बताएं कि जब मैं लो वोल्टेज अप्लाई करूंगा कौन सी डिवाइस सबसे वेल परफॉर्म करेगी? मॉस्फेट, इसका मतलब उसके लॉस सबसे कम, उसके लॉस सबसे कम होंगे, उसके बाद किसके सबसे ज़्यादा किसके होंगे? किसके होंगे? बीजेटी सर। यार ये बीजेटी आप देखें, बीजेटी की वोल्टेज ज्यादा नहीं है आईजीबीटी से, क्या ख्याल है? तो लो, अच्छा हाई वोल्टेज निकालने चले, इस तरह समझ नहीं आए थे, हाई वोल्टेज निकालें, उससे तरतीब जरा आसानी हो जाएगी। हाई वोल्टेज के ऊपर सबसे बेस्ट कौन परफॉर्म करेगा? आईजीबीटी। रॉन्ग। अच्छा अब बताएं हाई वोल्टेज पे क्या होगा? हाई वोल्टेज पे सबसे ज्यादा परफॉर्म बेहतर कौन करेगा? नहीं, हाई वोल्टेज, बस मैं करंट शंट को छोड़ दे, बस करंट की तो मैं बात नहीं कर रहा ना, मैं फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी है, ये देखें इधर, ये लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे बताएं कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा बना है? वेरी गुड मोस्ट, किसी ने कहा गौरी ने, गौरी का लगाओ यार, गौरी का। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए मॉस्फेट है ये देखें, बाकी लो फ्रीक्वेंसी पे आईजीबीटी बीजेटी। तो आपको ये देखें कितने एमसीक्यूज इस फिगर के अंदर नजर आ गए हैं, अच्छा तो हाई वोल्टेज पे लॉसेस सबसे कम किसका होगा? हाई वोल्टेज पे लॉसेस बीजेपी का सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा आईजीबीटी, सबसे ज्यादा मॉस्फेट का, और आईजीबीटी उसके दरमियान होगा। इस तरह लो वोल्टेज पे रेसिप्रोकल होगा, समझ रहे? चलें अब आप चलते हैं, अब हमने लो वोल्टेज पे चेक कर रहे हैं, तो सबसे कम लॉस किसका होगा? अब आप चेक करके दिखाएं मल्टीसिम में कि सबसे कम मॉस्फेट का है या नहीं, बस ये बताएं। अब मॉस्फेट का लॉस देखें कितना है, 46.8 या 47 मिली वॉट है, ठीक है, ये सबसे कम होना चाहिए। आप दोनों दूसरों का देखें, वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, देखें बीजेडी का भी इससे ज़्यादा है, 1.38 वॉट है, ज़्यादा ही है। आईजीबीटी का देखें 153 मिली वॉट है, लेकिन उससे ज़्यादा ही है मिली वॉट में, ठीक है। ये तो कन्फर्म हो गया कि मॉस्फेट ने लो वोल्टेज पर परफॉर्म वेल। अब बीजेडी जो है ना वो वर्स परफॉर्म करेगा, हमेशा मिड में रहेगा। हाँ आईजीबीटी मिड में रहेगा, तो बीजेटी का सबसे ज़्यादा लॉस होगा, देखें जरा बीजेटी का सबसे ज़्यादा लॉस होना चाहिए कितना है, 1.38 तो ज़्यादा है, और आईजीबीटी देखें तो इनके दरमियान में, ठीक है। अब आप यही काम हाई वोल्टेज पे करेंगे, अब हाई वोल्टेज के लिए डेफिनेटली हमें डिवाइसेज भी हाई वोल्टेज वाली सेलेक्ट करते हैं, मैंने चूँकि पहले की हुई हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी की हैं, तो वो आप भी कर लीजिएगा, ये ज़रा करें हाई वोल्टेज वाली, आखिरी तीन ऑन करें, ये करेंगे और एंड हो जाएगा हमारा सेशन, ठीक है। ये चले ये आप मुझे करके दिखा दीजिएगा, जो करके दिखा देगा, ना करके दिखाएं वैसे चले जाएं, एंड हो जाएगा सेशन, ठीक है।
लेकिन जो कर देगा उसको एक स्टार भी दे देंगे बस। जो ना करना चाहे एंड हो गया वो जा सकता है, स्टार हो गया वो जा सकता है। हाँ, अब आप देखें कि हाँ जिसका स्टार हो गया वो जा सकता है, आप स्पेशल ही हैं आज इस काम के लिए। तो अब आप देखें तो इसके अंदर अब बीजेटी देखें, हाई वोल्टेज पे हमने क्या किया, वही 500 वोल्ट दे दिए। फॉर एग्जांपल आपका मल्टी सोर्स जैसा सलमान ने कहा ना कि आपका या हसन ने ऑफ हो जाता है, हो सकता है मल्टी सिम 500 वोल्ट पे आपका ऑफ हो जाए, ऑफ हो गया तो आप इसको 400 या 300 या 200 पे ट्राई कर लेना, यानी जिस पे भी चले सबकी सेम कर लेना बस, सही है। अच्छा आप देखें इसमें हमने बीजेटी जो सेलेक्ट किया इस पर डबल क्लिक करें, MJE1320 है और ये देखें 900 वोल्ट का लिया है, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा ली है हमने, ठीक है। अब 900 का है, अब देखें मॉस्फेट चेक करें, मॉस्फेट पे डबल क्लिक करें, ये IPP90R1 है, ये भी 900 वोल्ट का है, ठीक है। और इसी तरह IGBT देखें तो इसको भी हमने IRG7, ये भी आपका 900 का तो नहीं मिला, ये फिर मुझे 1200 का मिला है, तो ये चलें करीब होना चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज होनी चाहिए, ठीक है, ये 1200। अच्छा ये हो गया, अब आप देखें तीनों को रन करें, बस इंटरेक्टिव मोड में रन करें और मुझे बता दें कि वो जो डायग्राम वेरीफाई हुई है या नहीं। और ये वेरीफाई आप हाई वोल्टेज की आप भी कर गए, जो ऑड रोल नंबर है वो लो वोल्टेज वाला करके दिखा दें, जो इवन रोल नंबर है वो हाई वोल्टेज वाला करके दिखा दें और चले जाएं। अगर नहीं करना चाहें स्टिल यू कैन चले जाएं, ठीक है, लेकिन ये है कि स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप सारे ऑड वाले, सारे ऑड वाले शुरू कहाँ से होते हैं और आखिर कहाँ तक, 1 से और एंड 230, तो आप 215 213 पर है ना, तो पहले 100 जो है वो आपके ये लो वाला कर लें और आखिरी जितने भी हैं वो हाई वोल्टेज वाला कर लें। तो अब कंपैरिजन पहले करके मुझे देख लेना, पहले हाई वोल्टेज पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी होगी, हाई वोल्टेज पे सुन लो यार, ये आला चल बीजेटी सारी रात रोंदे रहते। अच्छा बीजेटी आप देखें, अब इसमें मुझे बता दें कि बीजेटी का लॉस देख लें, उससे पता चल जाएगा लॉस, देखें बीजेटी का, ये देखें आपका 521 मिली वॉट है, करंट हमने सेम फ्लो करवाना है, ये देखें करंट इसका सेम होना चाहिए, 500 मिली एम्पियर है, दूसरे में देखें उसमें भी 500 है, तीसरे में 500 है, ठीक है। अच्छा ये देखें 521 बीजेटी का सबसे कम लॉस है, 520 कम कैसे है, कंपेयर कर लेते हैं, 521 मिली वॉट है तो बाकियों का देखें ज़रा, उससे कम ही है ना, बाकियों का ज़्यादा होगा, ये देखें 236 और ये 21 वॉट, ठीक है। तो बीजेटी परफॉर्म वेल एट हाई वोल्टेज, पहली बात हमें समझ आ गई। अच्छा दूसरा काम मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये बताएं कि हाई वोल्टेज पे सबसे बैड परफॉर्मेंस किसकी होगी, मॉस्फेट की, आप मॉस्फेट का लॉस सबसे ज़्यादा होगा, देखें ज़रा ये देखें 236 वाट है, सबसे ज़्यादा है, ऐसी है। और IGBT देखें तो इसके दरमियान में है, ये देखें 221 वाट है, तो इट्स द एंड ऑफ प्रेयर सेशन। आप देखें IGBT हमने ये किया कि हमने एक इसकी इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस के देखी, वो सेम रेपिटेशन के जिसकी थ्रेशहोल्ड वैल्यू क्या थी हमने देख ली डाटा शीट से देखी, फिर वेरीफाई की मल्टी सिम से, फिर इसी तरह आउटपुट प्रैक्टिस से देखी, उसके करंट्स IC करंट है आपका, बाकी करंट्स वोल्टेज कैसे डाटा शीट से देखें वो देखे, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली, उसके अंदर डिफरेंट रीजन देखे कि ओहमिक रीजन, लीनियर, सैचुरेशन रीजन कौन सा है, एक्टिव रीजन कौन सा है, ब्रेकडाउन और कट ऑफ रीजन क्या है, ठीक है। उसमें सेफ ऑपरेटिंग एरिया मैंने इसमें नहीं निकाला है, वो पीछे BJT का निकाला है, उसी तरह आप निकाल लीजिएगा। ये पहली ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा हमने ये किया कि इसके अंदर लॉसेज देखे स्विचिंग और कंडक्शन लॉसेज, और उसमें हमने मेन IGBT का इशू ये देखा कि ये ऑफ होने में, चूंकि ये BJT का ही कॉम्बिनेशन है, BJT की कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी तो ऑफ होने का टाइम इसका भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू BJT, लेकिन BJT का तो हम कवर कर सकते हैं, उसको तो नेगेटिव पल्स दिया कि हम उसका तो स्विचिंग लॉस कम कर देंगे, लेकिन इसका नहीं हो सकता क्योंकि इसका इंसुलेटेड गेट है, इंसुलेट गेट होने की वजह से इसको हम सप्लाई और करंट कंट्रोल नहीं है, वोल्टेज कंट्रोल, तो इसका फिर स्विचिंग लॉस ज़्यादा होगा। फिर हमने वो स्विचिंग लॉस जो है वो स्विचिंग लॉस देखा नहीं है, वैसे हमने वो देखना था वो कि वो सेम करना था जब BJT में हमने किया था ना, फ्रीक्वेंसी डबल करके देखा था तीनों का कंपैरिजन, तो बॉस इसका जो IGBT का सबसे ज़्यादा आना चाहिए, उसके बाद वो ये हम अलग से करके देख लेंगे अभी। तो ये हमने कंक्लूड किया और उसके बाद तीनों का लो वोल्टेज पे देखा, MOSFET की परफॉर्मेंस सबसे पहले है और सबसे जो है बैड परफॉर्मेंस BJT की थी और IGBT इन बिटवीन, हाई वोल्टेज पे इसका रेसिप्रोकल था, ये चीज़ें हमने देख के इसको हमने एंड कर दिया कंक्लूड। तो अब आप ये करें जो मैंने टास्क दिया और फिर जाएं। अब हम मैं फ्रीक्वेंसी का अभी खुद करता हूँ, आप भी एक दफ़ा मेरे साथ ही कर लें। तो अब फ्रीक्वेंसी का हम जो है वो कि लॉस किसका ज़्यादा है वो कंपैरिजन अभी हम खुद कर लेते हैं इंडिविजुअली ना, ये इनको दिखा दे जरा MOSFET वाला ना, तो ये जरा लिखना यार 521 मिली वाट है, ठीक है, और इसको मैं 100 करता हूँ, 100 पे
100 पे भी 521 ही है। अच्छा फिर फ़र्क कैसे होगा, 100 नहीं, फिर हमें इसको करते हैं हम 500 कर दिया ताकि फ़र्क को नज़र आए ना। हाँ 500 पे 524 है, ठीक है, 521 और 524, ठीक, ये बीजेटी का है, सही। अच्छा इसका मैं करता हूँ 500, इसका पहले लिख लें, 236 है, मॉस्फेट है ये, 236 है, 236 वाट है, हाँ मॉस्फेट है ये, रन करें। अब ये 262 हो गया है, 2, ठीक, फ्रीक्वेंसी 500, सब की 500 रख रहे हैं, 50 से 500 का है फ्रीक्वेंसी, ठीक। अच्छा अब IGBT का देखें ज़रा, IGBT में मैंने 500 रखी फ्रीक्वेंसी और 50 पे इसकी थी 21.7 वाट, अब मैंने 500 पे देखें तो ये इसके आगे 1.30 वाट, ठीक। अच्छा अब इनका डिफरेंस देखें ज़रा कितना आ रहा है,